नमस्कार और जय हिंद सभी को। आज मुझे बतौर थाना प्रभारी जो है ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरवाई में रोड सेफ्टी क्लब और ड्रग एब्यूज़ के ऊपर मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। तो प्रधानाचार्य नरेश जी ने मुझे बताया कि आज रोड सेफ्टी क्लब का जो आयोजन कार्यक्रम किया गया है यहाँ पर, तो इस बारे में बच्चों को जागरूक किया गया है। उन्होंने भी अपने लेक्चर में बताया और बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा यहाँ पर अपने प्रस्तुतियाँ रखी, तो जिसमें रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग जो रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में बच्चों को बताया गया कि कितने ज़रूरी हैं ये रोड सेफ्टी के रूल्स और रेगुलेशन, क्योंकि अभी जो भारत में एक्सीडेंट के आंकड़े हैं वो बहुत बढ़े हुए हैं, क्योंकि हम सड़क यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो मैंने भी यही चाहूँगी कि जो हमारे बच्चे हैं वो जो हम यहाँ अपने युवा एज में जाएंगे जब वो ड्राइव करें या कुछ, तो जब ऐसे ऐसे आयोजन स्कूल्स में होते रहेंगे तो उनको ज्ञान मिलता रहेगा कि हाँ भी हमने सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना करनी है और एक बेटर सिटीजन जो है वो बन के उभरेंगे। और इसके साथ ही ड्रग अब्यूज़ के ऊपर भी हमने बच्चों को बतलाया कि नशे जैसी कुरीति जिसकी वजह से भारत के कितने ही नौजवान जो हैं नशे के गर्त में धकेले जा रहे हैं और जा चुके हैं, जिनका भविष्य अंधकार में हो चुका है, तो नशे से बचने के लिए भी बच्चों को बतलाया गया है। तो इस बारे में जो हमारे जितने भी तरह के नशे सिंथेटिक नशे हैं, चाहे वो आम शराब के या फिर बीड़ी सिगरेट, चाहे चिट्टा, चाहे जैसा भी नशा है, उनसे दूर रहें, क्योंकि इसके केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हम अपने तौर पर तो इनको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ें तब आती हैं जब कोई व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो चुका है, उसके बाद हम उसको रोकेंगे, या फिर जब भी समाज में ये बढ़ रहा है चीज़ तो उसको हम पूरी कोशिश करते हैं पुलिस बल में होने के नाते रोकने की। लेकिन अगर आप लोग बीइंग अ पर्सन गुड सिटीजन, आप लोग अपने में ये ठान लेंगे कि हमने इस कुरीति से बचना है और ये यूज़ ही नहीं करनी है, तो ये सारी जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। जड़ से ख़त्म करने के लिए तो यही है ना कि इंसान खुद से ठान ले कि हमने वो कुरीति से बचना है और ये काम नहीं करना है। तो जड़ से ख़त्म करने के लिए आप लोग ही अकल का भविष्य हैं और आप लोग ही इसको जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। तो यही जो कार्यक्रम जो रखा था, इसका आज इन्हीं शब्दों के साथ समापन किया गया है।